हम सबको ये पता है कि धनिए के पत्ते को अक्सर हम गार्निशिंग के लिए ही यूज करते हैं या फिर चटनी बना के खाते हैं। जी हाँ, लेकिन आप सब में से किसी को ये भी पता नहीं होगा कि धनिए की हम सब्जी भी बना के खा सकते हैं। जी हाँ, आलू और धनिए की सब्जी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो तो मैं कब का बना चुकी हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि धनिया की सब्जी बना के, वो भी हम बेसन के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी धनिया का पत्ता और बेसन का कॉम्बिनेशन करके हम कैसे सब्जी बनाएं स्वादिष्ट और पौष्टिक, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सर्दियों में अक्सर धनिया बहुत ही सस्ता आता है, तो इस सीजन का आप फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ही फ्रेश रहते हैं और काफ़ी सस्ते दाम में मिल सकते हैं, और उनके लिए तो विशेष बहुत अच्छा है। जिनको कोई हेल्थ इशू हो, ये हरे धनिया के पत्तों के द्वारा क्योर किया जा सकता है, तो उनके लिए इस तरह के सब्जियाँ बना के खाना बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी सफाई कर लेती हूँ और कटिंग करके धो लेती हूँ, फिर हम सब्जी बनाना शुरू करें। देखिए, धनिया को हमने काट के अच्छे से साफ कर लिया, धो लिया है, और धनिया के पत्तों के साथ में थोड़े बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट डंठल भी लिए हैं। डंठल हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। धनिया ऐसी सब्जी है कि दिखने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब कुकिंग करते हैं तो कुछ सेकंड्स में ही बहुत ही कम क्वांटिटी हो जाती है। तो धनिया को अकेले यूज करके उसकी कोई सब्जी बनाने में बहुत क्वांटिटी कम होती है, तो शायद इनफ नहीं होगा खाने के लिए। तो इसलिए जब हम बेसन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और धनिया का न्यूट्रिशंस और उसका जो सब्जी का स्वाद है उसका मज़ा हम ले पाते हैं। कढ़ाई को हमने मीडियम फ्लेम में गर्म कर लिया है और ऑयल ऐड करेंगे 2 चम्मच यहाँ पे हम। जैसे ही तेल गर्म होता है गैस को लो फ्लेम में करेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पे राई डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून, फड़फड़ाने देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे सकते हैं, तो 1 टेबल स्पून या फिर आप अपने तीखे के हिसाब से ये जो रेड चिली पाउडर जो मीडियम तीखा है वो डालेंगे और चला लेंगे। मसाले बहुत जल्दी जल जाएंगे यहाँ पे, इसलिए आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए गैस फ्लेम बंद कर सकते हैं या फिर लो फ्लेम में डाल सकते हैं, ठीक है। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मसाले सबसे पहले इसलिए डाल रही हूँ कि तेल में सारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे, आप चाहे तो सब्जी डालने के बाद भी डाल सकते हैं। अभी मैंने डाला 2 कटी हुई स्लिट चिली, उसके बाद हम डालेंगे ये एक छोटा साइज ऑनियन, लहसुन और अदरक का 1.5 चम्मच हम पेस्ट बना लेंगे या फिर क्रश करके ऐसे ही डाल देंगे। ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुशबू आती है। आप यहाँ पे लहसुन वगैरह नहीं खाते तो बिना लहसुन प्याज के भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपकी सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। अब 10-20 सेकेंड के लिए लहसुन को सौते कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे अभी लो में रखा है, बहुत ही ज़्यादा लो में रखा है, हाई बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे कि मैंने कहा, मसाले आप अपने हिसाब से आगे पीछे डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पहले डाल दिया तो आप सब्जी डालने के बाद भी डाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। अब चलिए हम ये धनिया डालते हैं जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है, खुशबूदार धनिया के पत्ते। थोड़े बहुत डंठल भी मैंने ले लिए यहाँ पे, सॉफ्ट डंठल वेस्ट करना सही नहीं है। ले लीजिए, आहा, जैसे इसे आप डालेंगे ना, पूरी खुशबू जो है धनिये की घर में फैल जाएगी, और आसपास पड़ोस से क्या बनाए हैं आज स्पेशल अगर पूछने ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। जी सच कह रही हूँ, क्योंकि ये जो धनिये की सब्जी हम बनाते हैं ना जब, तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू फैल जाती है पूरे घर में, और जाहिर सी बात है पूछेंगे ही क्या बनाए बोल के, और आपकी तारीफ भी होगी। देखा जाए तो ये समथिंग यूनिक रेसिपी है ये। अब इसको हम थोड़ी देर बंद कर देंगे, तो 4-5 मिनट बाद देखते हैं हम इसको, हम हिला देंगे अच्छे से, और अगर पानी नहीं सूखी है तो पानी को सुखा लेंगे। इस सब्जी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि हमें बाद में बेसन को भी पका लेना है ना, तो अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक डाल देती हूँ इस धनिए के पत्तों के लिए। मैंने डंठल भी डाले हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट वाले, इसलिए डंठल भी दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर डंठल पसंद नहीं है तो बेशक ना डालें, सिर्फ पत्तों से ही बनाएं। मैं धनिए के पत्तों के डंठल जो खा सकते हैं हम उसे वेस्ट नहीं करती हूँ। आपको एक और चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, थोड़ा सा हींग डालें, थोड़ा सा, जो कि पहले भी डाल सकते थे। हींग डालने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है,
अब सारी चीज़ें हो गई है, तो यहाँ पे अब हम डालेंगे, गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम है, थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है, इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि कितना डालना है। थोड़ा और डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे हम यहाँ पे। पानी को पहले अच्छे से सुखा लें, हालांकि पानी की थोड़ी सी मॉइस्चर धनिए में अभी भी है। थोड़ा सा और बेसन हम डालेंगे यहाँ पे, बताती हूँ आपको कितना बेसन मैंने यहाँ पे डाला है। बेसन को अच्छे से मिक्स करके चलाने के बाद थोड़ा सा नमक और डालेंगे, ताकि बेसन में भी अच्छे से नमक लग जाए, और अच्छे से चला लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो रखेंगे या फिर मीडियम में रखेंगे, और चलाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी ये जो बेसन है कढ़ाई में लगना शुरू हो गया है, थोड़ा बहुत तो लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जलने नहीं देना है। अभी जो हमारा बेसन जो है थोड़ा सा गीला है, इसको हम इस तरह से चलाते हुए पकाते हुए कुछ मिनट इसको हमें सूखा सूखा कर लेना है, जो कि हो जाएगा थोड़ी देर में। दो बंच धनिए के लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून बेसन डाले हैं, आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो धनिए को ओवरटेक बेसन कर लेगा। तब तक इसे पकाइए जब तक ये सब्जी सूखी नहीं हो जाती अच्छे से, और बेसन का कच्चा निकल नहीं जाता। तकरीबन 5-6 मिनट इस तरह से हमें इसको पकाना है, ढक के पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, बेसन और जो धनिया है फुरफुरी सी दिखने लगेगी, इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये हो गया है, अब चलिए मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने बताया था ना थोड़ा सा ठंडा, यानी 5 मिनट बाद देख रही हूँ मैं, ये देखिए ऐसी फुरफुरी सी हो गई है, बेसन और धनिए के पत्ते कैसे फुरफुर से अलग अलग हो गए हैं ना, यू कैन सी हियर। बहुत ही फुरफुरी हो गई ये देखिए, और ये जो कढ़ाई में थोड़ा बहुत आटा लगता ही है, लगता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे भी आप खरोच के खाने के लिए यूज कर सकते हैं। दो बंच धनिया में इतनी धनिया और बेसन की सब्जी बनके तैयार हुई है, लुकिंग सो यम्मी, सो नाइस। तकरीबन 2 से 3 लोग आराम से इससे रोटी खा सकते हैं। धनिए का टेक्सचर कितने अच्छे से दिख रहा है ये देखिए, यानी ये जी बेसन का टेक्सचर देखिए कितने फुरफुरे से दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसलिए बेसन डालते वक्त धीरे धीरे डालिए, ज़्यादा भी मत डालिए, तो बेसन थोड़ा कम ही डालें। तो ये सब्जी जो है बहुत ही पौष्टिक है और बहुत ही स्वादिष्ट सूखी सब्जी है ये, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है। अगर आपको धनिया और बेसन की कॉम्बिनेशन वाली ये सब्जी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि जिस जिसको भी पता नहीं कि इस तरह से भी हम सब्जी बना के खा सकते हैं धनिए की, तो उनको भी पता चल सके और वो भी बना सके, तो शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में दबा दीजिएगा, ताकि मेरे इसी तरह के मजेदार वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय।